बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट। आज मैं घर में मौजूद सिंपल से इंग्रेडिएंट से एक ऐसा सीरम तैयार कर रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन रिंकल फ्री हो जाएगी। इसके रोज़ाना के इस्तेमाल से ओपन पोर्स और पिगमेंटेशन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस सीरम को आप दिन में 2 मरतबा लगाएंगे और 5 दिन तक इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए फिर रेमेडी स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें एक टोमेटो चाहिए। टोमेटो को मुझे ग्रेट करना है। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि टमाटर जो है वो हमारी अनइवन टोन को इवन टोन में लाता है, सन डैमेज को बचाता है और पिगमेंटेशन को ट्रीट करने में मदद करता है। मुझे इसको ग्रेट करना है। मैंने ये पहले से ही ग्रेट कर लिया है। इस तरह आपने भी इसी तरह ग्रेट करना है। और अब हम इसे साइड में रखते हैं। फिर मुझे एक कैरेट चाहिए। इस तरह कैरेट आप आजकल देखें बहुत आई हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी कैरेट्स हैं, तो ये कैरेट्स लेना है और एक लेना है। और आपको पता होगा कि कैरेट भी जो है वो हमारे स्किन के ग्लो को बढ़ाता है, एक्नी और स्कार्स को ख़त्म करता है। हम इधर मैंने इसको भी ग्रेट कर लिया है और ये इस तरह मेरे पास मौजूद है। इसके साथ ही मैंने एक आलू लिया है। आलू को भी मैंने ग्रेट किया और इस तरह मैंने इसका पानी अलग कर लिया है ताकि मुझे इसका स्टार्च चाहिए। ये हमें तीनों चीज़ें चाहिए। आपको मालूम होगा कि आलू भी जो है वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइट करता है और जो आइस के पास पफिनेस आ जाती है वो उसे दूर करता है और एजिंग इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है, रिंकल को ख़त्म करता है और चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं उसे भी दूर करता है। इस तरह हमारी ये तीनों सब्जियां रेडी हैं। आप समझ रहे होंगे कि कोई सब्जी बना रहे हैं लेकिन नहीं, ये हमारे स्किन के लिए एक सीरम तैयार हो रहा है। इस तरह ये आलू का जो है मैं पानी अलग कर लूँगी, मुझे चूँकि इसका स्टार्च चाहिए। अब इस तरह हम यहाँ पर ये स्टार्च देखें हमारा अलग हो गया। अब मुझे एक टोमेटो और ये कैरेट को इसमें से इसका रस निकालना है। अभी कितना है, आप एक मीडियम साइज का टमाटर ले लीजिए और उसका निकालें। और इसी तरह हम गाजर का भी इसका रस निकालेंगे और इसमें डाल देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने टोमेटो का रस निकाला था और मैंने इस तरह कैरेट का भी सारा रस इस तरह छान के निकाल लिया। अब इसमें हमें लेना है शहद। आप लोगों को मालूम होगा कि शहद के कितने फ़ायदे हैं। स्किन को अगर ज़िंदगी भर जवान रखना है तो आप शहद का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरह मैंने 1 चम्मच इसमें शहद शामिल कर दिया और इसमें एक और चीज़ जाएगी, वो है हमारा आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल के बारे में भी आपको मालूम होगा कि आलमंड ऑयल जो है वो हमारे कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा फेयर करता है और एक्नी और स्कार्स को ख़त्म करता है और मॉइस्चराइज भी रखता है हमारी स्किन को। तो इसमें 1 चम्मच हम आलमंड ऑयल भी शामिल करेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो हमारा एक सीरम तैयार हो गया है। इसे मैं एक किसी खाली जो बोतल हो ना आपके पास इस तरह स्प्रे की, उसमें आप डाल दें और फिर इसको लगाने का तरीका मैं बताती हूँ कि किस तरह यूज़ करना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस सारे सीरम को एक स्प्रे बोतल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये इस तरह मैंने अपने फेस पर, अपने हैंड्स पे मैं लगा के दिखा रही हूँ, वरना ये फेस पर लगाएंगे हम इस तरह और इसको अच्छे से मसाज करेंगे। ये यकीन करें सर्दियों में जो है ना इसमें जो ऑयल वगैरह डला हुआ है, एक तो मॉइस्चराइज रहेगी आपकी स्किन और जो है जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी पिगमेंटेशन की, ओपन पोर्स की और बहुत सारे जितने भी मसले हैं, ये बहुत अच्छा सीरम है। आपने पहले शायद टमाटर वगैरह यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि टमाटर से कितनी जल्दी स्किन इतनी क्लियर हो जाती है, बहुत चमक जाती है। जापनीज़ वगैरह की भी स्किन इसी, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो टमाटर वगैरह से बनती हैं। तो आप एक मरतबा ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये सारी हमारी घर की चीज़ें हैं, घर में हैं,
एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसे दिन में दो मरतबा आपने अपने फेस पर स्प्रे करना है और अच्छी तरह मसाज करें, और 15 से 20 मिनट के बाद आप अपने फेस पर अपने फेस को पानी से वॉश कर लें। आपको अपनी स्किन से ना समझे प्यार हो जाएगा, ऐसा ग्लो देगा। और स्किन जब हम ये इस्तेमाल करते रहेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता स्किन भी ना आपकी टाइट होना शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सीरम है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।